ड्रॉप ईयर में मैंने बायोम के टारगेट बैच में एडमिशन लिया था। बायोम है सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान, परंपरा को कायम रखते हुए झारखंड के इतिहास में पहली बार नीट यूजी में 700 मार्क्स पार, तो अपने डॉक्टर बनने का सपना पूरा करें बायोम के साथ। बायोम किनू और नगड़ा टोली रांची। सूबे में इन दिनों पत्र लिखने की राजनीति चल रही है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सरना कोर्ट को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर आदिवासियों को एकजुट करने की कोशिश की है, तो वहीं पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखकर धर्मांतरण कर ईसाई बने आदिवासियों को ST का प्रमाण पत्र नहीं देने की मांग कर आदिवासियों के बीच सरना का आरक्षण का लाभ मिलने की बात कही है। झारखंड में इन दिनों पत्र की राजनीति चल रही है। झारखंड में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर यह मांग की कि सरना धर्म कोड को जल्द से जल्द मंजूरी दी जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि झारखंड ही नहीं बल्कि पूरे देश का आदिवासी समुदाय पिछले कई दशकों से अपने धार्मिक अस्तित्व की रक्षा के लिए जनगणना कोड में प्रकृति पूजक आदिवासी सरना धर्मावलंबियों को शामिल करने की मांग को लेकर लगातार संघर्ष कर रहा है। प्रकृति पर आधारित आदिवासियों के पारंपरिक धार्मिक अस्तित्व के रक्षा की चिंता निश्चित तौर पर एक गंभीर सवाल है। वहीं अब आदिवासियों के लिए अलग सरना धर्म कोड को लेकर जिस तरह से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखा, उसके बाद से प्रधानमंत्री के पत्र मिलने तक जो प्रतिक्रिया BJP की आई वो उभर कर सामने आई। जिस तरह से सरना धर्म कोड को लेकर बातें हुई और BJP की ओर से जो प्रतिक्रिया आई वो निश्चित ही बड़ा सवाल खड़ा करता है। अपने पत्र में जिस आदिवासियत की दुहाई देकर उन्होंने सरना कोड लागू करने की मांग की है, तो सरना समाज तो इस मुद्दे पर आपस में ही बंटा हुआ है, क्योंकि जो लोग धर्मांतरण कर क्रिश्चियनिटी जिन लोगों ने अपना लिया उनको वो सारी सुविधाएँ मिल रही हैं जो आदिवासियों को मिलना चाहिए था, तो इसको लेकर मतभेद तो आदिवासी समाज में ही है। मुख्यमंत्री को अभी स्पष्ट करना चाहिए कि जिन 1 करोड़ लोगों की उन्होंने बात की, क्या उसमें वो क्रिश्चियन भी शामिल है जिन्होंने धर्म बदलकर, आदिवासी भी शामिल है जो धर्म बदलकर क्रिश्चियन हो गए। अब जहां तक प्रश्न है कि मुख्यमंत्री ने अपने पत्र में यह भी कहा कि 1951 तक धर्म का कॉलम था, बाद में ख़त्म कर दिया गया, तो देश की जनता भी जानती है कि उस समय सत्ता में कौन हुआ करता था। आज तो उसके साथ वो सरकार चला रहे हैं, तो प्रश्न जो है अंदर खाने में समझता हूँ कि मुख्यमंत्री जी कहीं ना कहीं ED की कार्रवाई से जिस तरह से घबराए हुए हैं, ध्यान बांटने की कोशिश है उनकी, चूँकि 5वां समन आ चुका है, तो जनता को किस तरह से डिस्ट्रैक्ट किया जाए और इशू शिफ्ट किया जाए, उस ओर मैं समझता हूँ कि ये सारी कवायद उसी को लेकर है। अब बात थी झारखंड मुक्ति मोर्चा की। झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर से भी मोर्चाबंदी की गई। झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर से भी यह कहा जा रहा है कि जिस तरह से आदिवासियों को प्रकृति पूजक माना जाता है और प्रकृति से जिनका लगाव रहता है, उनके धर्म कोड को अविलंब केंद्र सरकार स्वीकार करे, क्योंकि लगातार आदिवासी समाज अपने सरना धर्म कोड की मांग कर रहा है। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने पत्र लिखकर मुख्यमंत्री से ही यह मांग कर डाली कि सरना धर्म कोड के सवाल पर निश्चित रूप से जो मांगे हैं वो अलग हैं, लेकिन रघुवर दास की ओर से जो सवाल उठाया गया वो बड़ा गंभीर सवाल है। और ऐसे में मुख्यमंत्री के रूप में कार्य करते हुए कई बार रघुवर दास ने जिस सवाल को उठाया था वो सवाल एक बार फिर से उन्होंने उठा दिया है। पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने यह सवाल उठाया है कि आखिर धर्मांतरण करके ईसाई बन गए आदिवासियों को ST का दर्जा नहीं मिलना चाहिए, ऐसी स्थिति में आदिवासियों के बीच ईसाई और सरना दो महत्वपूर्ण धर्म हैं, ऐसी स्थिति में ज़्यादातर सरकारी नौकरियों का लाभ ईसाई आदिवासी उठा ले जाते हैं, ऐसी स्थिति में सरना आदिवासी ठगा हुआ महसूस करते हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को लिखे गए रघुवर दास के इस पत्र में कहीं ना कहीं आदिवासियों के बीच जो स्थितियां हैं वो अस्पष्ट होती हुई नज़र आ रही है, और रघुवर दास के इस पत्र के बाद से निश्चित रूप से सरना आदिवासियों के बीच बड़ा सवाल खड़ा तो होगा ही। मुख्यमंत्री जी को आज एक पत्र लिखा कि जो काम आपके हाथ में है आप उसको कर सकते हैं, तो आप सरना कोर्ट के बजाय 1997 में केरला हाई कोर्ट ने एक जजमेंट दिया
कि जो आदिवासी रीति रिवाज परंपरा को नहीं मानता उसकी जाति प्रमाण पत्र नहीं बनना चाहिए। पत्र की इस राजनीति के बीच अब यह भी सवाल खड़ा हो गया है कि आदिवासी सरना धर्म कोड को लेकर जो सवाल मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री के समक्ष खड़ा किया है वो सवाल तो बनता है। झारखंड से सरना कोड की मांग लगातार हो रही है, ऐसी स्थिति में जो पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने भी सवाल उठाए हैं उस सवाल को भी शायद सरना धर्मावलंबी ये बातें मानेंगे कि ईसाई समुदाय में शामिल होने वाले आदिवासी उनका कहीं हक मारी तो नहीं कर रहे हैं, आरक्षण का लाभ ईसाई आदिवासी तो नहीं उठा रहे हैं। ऐसी स्थिति में सरना धर्म कोड की मांग और सरना धर्मावलंबियों की ओर से जो ईसाई आदिवासियों के प्रति जो स्थिति होगी वो आने वाले दिनों में अस्पष्ट होगी। मुखर संवाद के लिए रांची से अशोक कुमार की रिपोर्ट। मिनी लंदन मैकलुस्कीगंज प्रकृति की गोद में बसा ड्रीम डेस्टिनेशन आपका कर रहा है इंतजार। आइए अपने यादगार लम्हों को बिताइए ड्रीम डेस्टिनेशन में। राजधानी रांची से महज 50 किलोमीटर दूर आपका अपना ड्रीम डेस्टिनेशन। जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तान।